तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य और राहु की युति अगर आपके लग्न चार्ट में नाइन्थ हाउस में बन रही हो तो इसके आपके लिए क्या परिणाम हो सकते हैं। तो बात करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहें, साथ में जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राहु और सूर्य की जो युति होती है इसका अच्छा और बुरा प्रभाव क्या क्या हो सकता है भले ही आपके किसी भी भाव में ये युति बन रही हो। देखिए, सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे। सूर्य क्या दर्शाता है आपकी कुंडली में? आपकी आत्मा को दर्शाता है, आपके हार्ट को दर्शाता है, आपके पिता के साथ संबंध और आपके पिता को दर्शाता है, आपके पिता की स्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा सूर्य सरकारी लाभ आपको मिलेगा या नहीं ये दर्शाता है, आपको अथॉरिटी मिलेगी या नहीं। सूर्य आपका ईगो भी है, सूर्य आपकी ओवरऑल एनर्जी है, आपकी पर्सनैलिटी है और आप जो पाना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आप इस दुनिया में आए हैं, जो आपका टारगेट है वो सूर्य से रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि सूर्य ही वो एनर्जी है जो आपको आगे बढ़ाता है, आपको एक्टिव बनाता है और आपको एक्टिवेट रखता है हर टाइम। तो सूर्य हमारा अगर देखा जाए तो अंदर का जो आत्मविश्वास है वो सूर्य से ही देखा जाता है। अब राहु के बारे में अगर बात करें तो राहु क्या दिखाता है? राहु देखिए पूरी तरह से भ्रम उत्पन्न करता है। राहु जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उस ग्रह की पावर को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो राहु का काम है एम्पलीफाई करना। राहु जिस भी भाव में होगा उस भाव के और जिस ग्रह के साथ होगा उस ग्रह के गुणों को और ज़्यादा बढ़ा देगा, कई गुणा वो बढ़ा देगा। तो राहु है वो एक फेक इमेज को दर्शाता है। राहु किसी भी तरीके से नियमों को तोड़ना या फिर किसी भी चीज़ को प्राप्त करना हो तो कोई भी तरीका अपनाकर, भले ही वो सही तरीका हो या गलत तरीका हो, अपनाकर उसको प्राप्त किया जाए। किसी भी तरीके से लाइफ में बड़े अचीवमेंट के लिए राहु सोचता है तो राहु आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाता है। ऐसे में हम कह सकते हैं राहु बहुत बड़ा एक इल्यूजन पैदा करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहु और सूर्य की अगर युति बनेगी या फिर राहु और सूर्य दोनों ही एक भाव में आएंगे तो आपको ये हमेशा गिराने का नहीं सोचते, यानी इनका जो प्रभाव होता है वो बुरा भी हो सकता है और बहुत ही अच्छा भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि इनका जो डिस्पोजिटर है, जिस भाव में ये युति कर रहे हैं, इनका डिस्पोजिटर का संबंध अगर किसी अच्छे भाव से नहीं है, केंद्र भाव से नहीं है या लाभ स्थान से नहीं है, टेंथ हाउस से नहीं है या सेकेंड हाउस से नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर राहु और सूर्य की युति आपके केंद्र भाव में बनती है और जो इनका डिस्पोजिटर होता है उसका संबंध अगर आपके टेंथ हाउस से हो जाता है, आपके लाभ स्थान यानी इलेवंथ हाउस से हो जाता है या फिर सेकेंड हाउस से हो जाता है या फिर लग्न से भी हो जाता है तो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ये लेकर जा सकते हैं। लेकिन इसमें ये डिपेंड करेगा कि राहु और सूर्य की जो राशि है, जिस राशि में ये दोनों बैठे हुए हैं और इनके ऊपर कौन से अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कौन से शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, वो काफ़ी कुछ उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी ये देखा गया है अगर इनका नेगेटिव इफेक्ट देखा जाए राहु और सूर्य की युति का तो फादर के साथ संबंध खराब होना, इसके अलावा आपके आत्मविश्वास में कई बार बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाना, कई बार बहुत ज़्यादा कमी आ जाना, आप हर बार भ्रम के शिकार हो जाएं, आपका टारगेट ऐसा हो जो बिल्कुल भी व्यवहारिक ना हो, यानी ऐसा आप सोचने लगें जो जीवन में आप प्राप्त कर ही नहीं सकते, जो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ऐसा जो स्थिति है वो राहु और सूर्य की युति से ही हमारे जीवन में क्रिएट होती है। इसके अलावा आप सोचते तो बहुत कुछ हैं लेकिन आप अचीव कुछ नहीं कर पाते, आप आगे नहीं बढ़ पाते, आप पूरी तरह से एक्टिव होकर यानी पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बढ़ पाते, तो वो जो ईगो की जो प्रॉब्लम आपको आती है वो इसी युति की वजह से आती है। और आपके जो बनते बनते जो काम बिगड़ते हैं अगर आपकी कुंडली में राहु और सूर्य की युति है तो इसके कारण भी ऐसा हो सकता है। अब राहु और सूर्य की युति बन जाती है तो ये फादर के साथ संबंधों को बिगाड़ती है, फादर की हेल्थ को प्रॉब्लम करती है अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो। अगर इसके बुरे परिणामों को देखा जाए तो बार बार आपका ईगो हर्ट होगा, आप जो भी पद के लिए सोच रहे, जीवन में जो पोस्ट आप पाना चाहते हैं, जो आपका अचीवमेंट जो आप लेना चाहते हैं लाइफ में, वो आपको पूरी तरह से उसमें आपको संतुष्टि नहीं देगा अगर ये युति बन रही हो। तो बहुत सारे इसके नेगेटिव प्रभाव हैं अगर हम देखें तो। राहु जब भी सूर्य के साथ युति करते हैं ऐसे में आपका सरकार से कई बार संबंध खराब हो जाते हैं, कई बार बहुत सारे ऐसे लोगों से जो कोई हाई अथॉरिटी में हैं, जो कोई हाई पोस्ट पे हैं या आपके बॉस भी आप समझ सकते हैं, उनसे आपके बार बार संबंध खराब हो जाते हैं,
क्योंकि यहाँ पर जो ईगो है उसकी जो प्रॉब्लम है, ईगो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आप में। राहु जब भी सूर्य के साथ आते हैं तो आप में ईगो को बढ़ा देते हैं, वो आपको हालांकि ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं लाइफ में, लेकिन आपके जो काम हैं वो सही तरीके से नहीं होते। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आप जिस प्रकार से आपको वो टारगेट अचीव करना चाहिए, जिस प्रकार से आपको आगे बढ़ना चाहिए, उस प्रकार से राहु सूर्य के साथ मिलकर आपको आगे बढ़ने नहीं देता। वो काफ़ी शॉर्टकट तरीकों के बारे में आपके दिमाग में विचार देता है, वो बहुत ज़्यादा भ्रम उत्पन्न करता है। इस वजह से आप जिस गति से चाहते हैं अपनी लाइफ में कोई भी टारगेट पाना या आप कुछ भी पाना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप बार बार परेशान हो जाते हैं और आप अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं, यानी आप अपने मार्ग से हट जाते हैं और आपका जो ईगो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तो इस वजह से आप अपनी मन पर ले लेते हैं बात को, अपने दिल पर ले लेते हैं, और जो टारगेट आप सोचते हैं वो कभी भी आपको अचीव नहीं हो पाता, क्योंकि आप उस टारगेट के लिए सही तरीके से काम कर ही नहीं रहे होते हैं। तो ऐसे में देखिए, राहु और सूर्य की युति अगर किसी भी भाव में आपके कुंडली में बनती है तो ऐसे में आपको समस्या आ सकती है। अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, अगर केंद्र भाव में ये युति बन रही है, यानी फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस या फिर सेवन्थ हाउस या फिर आपके टेंथ हाउस में, तो ये आपके लिए कुछ हद तक बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो सकती है। लेकिन अगर सेवन्थ हाउस में ये बन जाए तो सेवन्थ हाउस में भी ये मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस देती है। तो हर जो भाव है उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है राहु और सूर्य की युति होने का। पर अगर बात की जाए केंद्र भाव की, तो आपके पर्सनली अगर फायदे के लिए देखा जाए तो केंद्र भाव में ये युति अच्छी ही होती है। इसके अलावा आपको इनका जो डिस्पोजिटर है, यानी जिस राशि में ये युति बन रही है, उसके स्वामी को जरूर देखना चाहिए। अगर उसका संबंध या वो जो ग्रह है वो आपका लाभ स्थान में बैठा हो, टेंथ हाउस में बैठा हो, काफ़ी अच्छी स्थिति में बैठा हो कुंडली में, तो फिर भी उसके लाभ आपको जरूर मिल जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये युति जब आपके बन रही हो कुंडली में, तो थोड़ा सावधानी से ही आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपने जो टारगेट हैं हमेशा आपको छोटे रखने चाहिए लाइफ में, हमेशा आपको सही तरीके से आगे बढ़ना। अब बात करते हैं सूर्य और राहु जब नाइन्थ हाउस में आपकी कुंडली में युति कर रहे होते हैं तो इसका क्या प्रभाव आपके लिए हो सकता है। देखिए, नाइन्थ हाउस है वो धार्मिक जो कार्य हैं, जो धार्मिक कार्यों में रुचि है उसका भाव है। नाइन्थ हाउस हमारा लक है, फादर का भी भाव है, फादर को भी हम नाइन्थ से कई बार देखते हैं, वैसे फादर को टेंथ हाउस से भी हम देखते हैं। तो नाइन्थ हाउस बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ये हायर एजुकेशन का भाव भी है, जो हमारी दार्शनिक विचारधारा है, जो हमारी दार्शनिक सोच है उसका भाव भी है। हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, कितना आगे जा सकते हैं, हमारा भाग्य कितना साथ देगा, ये सब नाइन्थ हाउस से डिपेंड करता है। तो यहाँ अगर सूर्य और राहु युति कर रहे होते हैं नाइन्थ हाउस में, ऐसे जातक दार्शनिक सोच वाले होते हैं, इनकी सोच बहुत गहरी होती है, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो दार्शनिकों जैसा ही होता है। तो इनकी जो सोच होती है वो कुछ वैसे ही होती है। धार्मिक क्षेत्र में इनके जो विचार होते हैं काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं इनके, हालांकि अपने घर के बुजुर्गों से या अपने पिता से उतनी अच्छी नहीं बनती, लेकिन इनको जो धार्मिक काम करने का जो तजुर्बा है या जो उसमें सक्सेस पाने का तजुर्बा वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। ऐसे जातक कोई हायर फिलोसोफर हो सकते हैं, कोई बहुत उच्च दार्शनिक, फेमस दार्शनिक हो सकते हैं, कोई बहुत बड़े विचारक हो सकते हैं। ये जातक अपने फील्ड में हमेशा महारत हासिल करने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं, कितनी भी ये मेहनत कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सूर्य और राहु की स्थिति अच्छी हुई या फिर यहाँ का जो लॉर्ड है वो अच्छा बैठा हो चार्ट में, तो ऐसे जातकों का लक बहुत ज़्यादा साथ देता है, लेकिन ऐसे जातक उसका फ़ायदा पूरा नहीं उठा पाते। अगर यहाँ का जो डिस्पोजिटर है वो ख़राब हो गया कुंडली में, अच्छे स्थान पर नहीं बैठा हुआ, तो आपको जो लक है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल मिलता है, लाइफ में स्थिरता नहीं रहती, बार बार परिवर्तन आते हैं और लक कभी साथ नहीं देता, ये शिकायत आपकी रहती है। इसके अलावा फादर की जो हेल्थ है उसको लेकर भी दिक्कतें होती हैं, फादर के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी दिक्कतें होती हैं। ऐसे जातकों को अपनी हायर एजुकेशन को लेकर भी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन अगर ये जो प्रभाव है सूर्य और राहु का वो अच्छा हुआ तो जातक बहुत आगे जाता है, वो कोई बहुत बड़ा दार्शनिक या बहुत बड़ा फेमस व्यक्ति बनता है, धार्मिक कार्यों में उसकी बहुत ज़्यादा रुचि रहती है और वो कुछ भी कर सकता है, वो कितना भी मेहनत कर सकता है। तो ऐसा जो जातक होगा वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में रुचि लेगा, वो अकल से संबंधित पुस्तकें पढ़ने में रुचि लेगा,
वो फ्यूचर के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा रुचि रखता है। साथ में यहाँ पर सूर्य और राहु होने से वो तीसरे भाव को देखते हैं और तीसरे भाव में केतु होता है, तो ऐसे जातक को हो सकता है अपने भाई बहनों के साथ उतनी अच्छी नहीं बने, उसका कम्युनिकेशन का जो फील्ड हो वो उतना अच्छा ना हो, या वो बहुत सही तरीके से कम्युनिकेट ना कर पाए, ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा उसमें बुझाओं में जो बल है जातक के वो कम हो, तो ऐसे जातकों का कई बार ये देखा गया है, क्योंकि सूर्य है वो हमारे करियर को रिप्रेजेंट करता है, हमारे वो पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे जो जातक होते हैं जिनका सूर्य और राहु की युति नाइन्थ हाउस में होती है, बहुत ज़्यादा अस्थिर प्रकार के अनस्टेबल टाइप के वो होते हैं लाइफ में, इनकी लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं होती, कई बार ये देखा गया है। इसके साथ ही इनकी लाइफ में जो परिवर्तन आते हैं वो बार बार होते हैं और वो होते ही रहते हैं, तो ये अपनी लाइफ में परिवर्तनों से परेशान होते हैं, ये एक स्थान पर बहुत ज़्यादा टिक कर नहीं रह सकते। इनको धार्मिक पुस्तकों का बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, धार्मिक क्षेत्र का बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, जो पौराणिक कथाएँ हैं, जो पुरानी कथाएँ हैं, जो धार्मिक कथाएँ हैं, उनमें इनकी रुचि बहुत ज़्यादा होती है, तो ये कुछ ऐसे जातक होते हैं। इसके अलावा यहाँ सूर्य और राहु की अगर पॉजिटिव प्रभाव की बात करें, तो ऐसे जातक उच्च अध्ययन के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं, इनके पास वो समझ होती है हर विषय की, वो गहराई होती है इनकी पढ़ाई लिखाई में, कि ये बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो इस प्रकार का प्रभाव होता है जब आपकी कुंडली में नाइन्थ हाउस में सूर्य और राहु की युति होती है।